आप देखिए ये मरीज आ रहे हैं, काम कब से बैठे हुए हैं? मैं तो 8 बजे से यहाँ काम कर रहा हूँ। 8 बजे से पानी जल पान की साफ सुथरा पानी तो मिल गया है। और सब क्या है मतलब इन लोगों के? इन लोगों का तो वही किया जा रहा है, वो सब स्कैनिंग किया जा रहा है। यहाँ के स्टाफ के लिए वहाँ के लोग आपका सपोर्ट? हाँ सपोर्ट सब है। और पब्लिक का यहाँ की पब्लिक जनता तो बड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। क्या ऐसी कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया भी गया है और कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल, लेकिन गैदरिंग हो रही है ज़्यादा। और कोई परेशानी? नहीं कोई नहीं, और सब ठीक ठाक है। नहीं कोई कोरोना का कोई पेशेंट नहीं मिला है, ना क्या नाम है, ना टेम्परेचर भी ज़्यादा मिला है, सब नॉर्मल टेम्परेचर अभी तक। इतने कोई भी संदिग्ध कोई भी नहीं मिला है, करीब कोई फीवर का केस नहीं, कोई करीब फीवर का कोई केस नहीं मिला। 500-600 का स्क्रीनिंग हो गया, लेकिन कोई भी केस मिला नहीं है अभी फिलहाल, नॉर्मल ही है सब। कितने अब तक कितने मेडिकल चेकअप हो गया? इसमें करीब 445 हो गया अभी तक। हाँ का चेकअप? हाँ आज आ रहे हैं। हाँ आज ही का यहीं से। हाँ और जहाँ जाना है वहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ से। नहीं ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सो गया हो यहाँ पर? देखिए मेडिकल चेकअप के यहाँ कार्य चल रहा है, यहाँ पर देखिए तमाम भीड़ है, इतनी लगी हुई है काफ़ी संख्या। मैं हरीश श्रीवास्तव स्वास्थ्य। बोलिए। मैं हरीश श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं यहाँ पर। आप किस पद पर तैनात हैं? हम पैरा मेडिकल वर्कर के पद पर तैनात हैं बस्ती में, और हमारी एक टीम गठित की गई है जिसमें स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जितने यात्री आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है, टेम्परेचर लिया जा रहा है, और उनको सलूशन दिया जा रहा है कि आप लोग अपने घर पे जाइए और 14 दिन तक अपने घर के अंदर ही रहिए, बाहर कहीं मत निकलिए, और सर सफाई पर ध्यान दीजिए, और कहीं पर निकलने की आप लोग की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई परेशानी है? नहीं हमको स्टाफ पुलिस से? नहीं हमारा पुलिस यहाँ पर सहयोग कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारी भरपूर पुलिस सहयोग कर रही है, यात्रियों को हमारे एक लाइन में और एक मीटर की दूरी पर खड़ा करने का। नहीं अभी टेम्परेचर से हम लोग देख रहे हैं, अभी टेम्परेचर सब 99 के नीचे ही, 89 मतलब ये सब आ रहा है। नहीं कोई ऐसा अभी नहीं है, जो भी पाया जा रहा है उसका नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ हम लोग नोट कर ले रहे हैं उसके घर पर भी। हरीश श्रीवास्तव। श्रीमान DM महोदय, SP महोदय के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम लोग लगातार जो है बाहर से आने वाले यात्रियों को बड़े वन चौराहे पर रोककर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा, पुलिस द्वारा और आम जनमानस द्वारा, जो समाजसेवी लोग हैं उनके द्वारा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की गई है, उसमें भी मदद किया जा रहा है लोगों को। फिर उनके गंतव्य के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद गाड़ियों को बैठा कर उनको गंतव्य के लिए भिजवाया जा रहा है। हम लोग लगातार इस पर कल से लगभग 1210 लोगों का अब तक स्वास्थ्य परीक्षण भी हो चुका है, और लगातार भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं बाहर से। आप लोगों का सबका सहयोग मिल रहा है? सबका सहयोग मिल रहा है, हम लोग जिससे जो उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो जनता के व्यक्ति हों, चाहे हमारे सीनियर अधिकारी हों, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। हाँ तमाम लोग मदद कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से संपर्क में भी हैं, वो लगातार हम लोगों से जानना भी चाह रहे हैं कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों उनसे अनुरोध कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग मदद कर रहे हैं।